वहीं दूसरी ओर एमसीडी में जारी घमासान का मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक अब पहुंच चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में री इलेक्शन की मांग को ठुकरा दिया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एलजी, मेयर और एमसीडी से मामले को लेकर जवाब भी मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और मामले से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज भी तलब किए हैं। दिल्ली का सिविक सेंटर WWE की फाइट का अखाड़ा बन चुका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच खुली फाइट हो चुकी है। दिल्ली की जनता हैरान है, परेशान है और लाचार है, क्योंकि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों का रवैया पूरी दिल्ली को शर्मसार कर रहा है। इन माननीयों को ना तो लोकतंत्र की मर्यादा की चिंता है और ना ही अपने पद की गरिमा का ख्याल। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें तो तब आई जब बुजुर्ग और महिला पार्षद भी एक दूसरे के साथ हाथापाई करते नजर आए। इस दौरान न तो किसी को मर्यादा की चिंता थी, ना ही सीनियर जूनियर की तहसीब। एमसीडी के सदन में जो कुछ हुआ उस घटनाक्रम की शर्मनाक तस्वीरें पूरे देश ने देखी। इस घटना के पीछे किसका हाथ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस जंग को कौन रोकेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दिल्ली की नई नवेली मेयर ने इसी मसले पर बीजेपी पार्षदों के खिलाफ कातिलाना हमले की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि आज शैली ओबेरॉय अपनी शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाली थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। एमसीडी सदन के अंदर हुआ हंगामा अब दिल्ली हाईकोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। इस मामले में लंबी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में बहस के दौरान मेयर शैली ओबेरॉय भी मौजूद रही। दरअसल दिल्ली एमसीडी का ये पूरा घमासान मेयर के दोबारा चुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुआ था। इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर भी बवाल मचा, जहां आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए फिर से वोटिंग पर रोक लगा दी। सदन और सड़क के अलावा सोशल मीडिया में भी दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी किया तो बीजेपी ने भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे डाला। लेकिन दिल्ली एमसीडी के माननीयों का ये रवैया मर्यादाओं की तमाम सीमाओं को तोड़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट, जी मीडिया।